हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग मास्टर ट्विच चैनल। गाइस, आज हम देखेंगे फोटोशॉप में आप कैसे लेसर टूल, पॉलीगॉन लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल्स का यूज कर सकते हो। ये टूल्स का यूज किस लिए होता है, कैसे होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब तो होता, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे इमेज है। अब हमें क्या करना है, ये हमें सिर्फ फोटो चाहिए ओनली। मुझे ना बैकग्राउंड चाहिए, ना ये चाहिए, ना इनके टांग चाहिए। मुझे वो इनकी शेप जो साइड की है, यहाँ से यहाँ तक इनकी फोटो चाहिए, वो भी सिंगल चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, लेसर टूल्स। लेसर टूल में हमारे तीन आते हैं ऑप्शन, लेसर टूल, पॉलीगोन लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल। सबसे पहले तीनों का डिफरेंस जान लेंगे। लेसर टूल को हम सिलेक्ट किया, ये हमारे एक तरह से पेंसिल की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने अपने माउस को लेफ्ट क्लिक किया एंड देन नीचे ड्रैग किया, ये माउस का मुझे बस पकड़ के रखना है अपना लेफ्ट एंड नीचे ड्रैग करते जाना, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मैंने अपना माउस छोड़ा, ये अपने आप शेप काट लेगा, ये ऐसा शेप आ जाएगी इसकी, ये ऐसे अपने आप काट लेगा। एंड देन इसके बाद पॉलीगोन लेसर टूल। पॉलीगोन लेसर टूल एक तरह से हमारा लाइन की तरह या स्केल की तरह काम करता है, आप ऐसे मान सकते हो। जो हमें जहाँ पे जितना चाहिए वहाँ पे क्लिक किया, देन उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद उसके आगे चाहिए क्लिक किया छोड़ दिया, क्लिक किया छोड़ दिया, एंड एंड में जब इसके जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ मिला देंगे तो ये अपना सिलेक्शन ले लेगा। देन इसके बाद बात आती है हमारी मैग्नेटिक लेसर टूल्स। मैग्नेटिक, जैसे आपको नाम से ही पता है, ये अपने आप मतलब नीचे लाइन हमें ले आनी है, पर बस माउस घुमाना है हमें, ये अपने आप सेलेक्ट करते जाएगा शेप कोई सी भी, और सेलेक्ट करते जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों शेप का यूज करके पिक्चर कैसे काटे, पिक्चर का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले लेसर टूल, यहाँ पे हमने गए, सबसे पहले हम जूम कर लेंगे। कभी भी ये पिक्चर काटते समय हम सबसे पहले जूम कर लेना है। अंदर यहाँ पर माउस को लेफ्ट क्लिक किया, ये नीचे इधर ड्रैग करते रहो, आप देख सकते हैं पेंसिल पेंसिल टाइप का थोड़ा बन के आ रहा है। हम ये पीछे पे कर सकते हैं, एंड यहाँ से हमें थोड़ी गलती भी हो जाती है। देन यहाँ से इसके मोड़ लेंगे, ये पूरा शेप ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, अब नेक्स्ट स्टेज में से मूव करके देखेंगे, साइज छोटा कर देंगे इसका। आप देख सकते हो कैसा कटना है, हमने क्या किया उसके ऊपर वही लिया, लेकिन इसमें आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड भी आ गया थोड़ा बहुत, इसका बैकग्राउंड भी आ गया थोड़ा बहुत। इसको हम और छोटा करके, यहाँ पे अपना ला देंगे, अंदर तीनों फोटो में हम कंपेयर भी करेंगे कौन सा सही लगा, कौन सा अलग है, कौन सा यूनिक है। ये सबसे पहले लेसर टूल से काटा। देन इसके बाद हम आते हैं दूसरा पॉलीगोन लेसर टूल, यहाँ पे गए, इसके क्या करेंगे, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये किया, ये किया, इसको जूम कर लेते हैं, ये गए, ये हमारी लाइन से आ जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सुनने यहाँ पर गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, ये पीछे होता रहेगा, बैक होता रहेगा हमारा। इसी तरह से ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे आप काट सकते हो लाइन से। अब ध्यान रहे कि आप फोटो पे एकदम जाए, ये अपना ऐसे धीरे धीरे कट रहे हम भाई, इतनी इसके टांग से ऐसे ले आते मोड़ के, ये हमारी लाइन की तरह एकदम यूज हो रहा है, ऐसे काटते रहेंगे। ये अपन ऐसे गया, इसे भी ऊपर चल भेगा, इसमें क्या जहां से आपको स्टार्ट हुआ वहां पे जाकर आपको मिलाना पॉइंट, ये अपने आप सिलेक्ट करेगा, ठीक है। आप जैसे तो ये हमारे हो गया, अब पहले लोग आउट कर मूव पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको मूव करते हैं अगली शीट।
यहाँ पेस्ट करते हैं, इसका साइज छोटा कर लेंगे सबसे पहले। इसकी लेंथ भी छोटी कर लेते थोड़ी। अब आप देखिए डिफरेंस। इसमें उसमें डिफरेंस देखिए, इसमें क्या पूरा एकदम शेप कटी है, एकदम पूरी शेप आई है। इसमें क्या थोड़ा आपको बैकग्राउंड दिखा होगा, थोड़ा कलर आपका देखो ब्राउन टाइप का आ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या थोड़ा एकदम पूरी शेप कटी है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि आपको शेप क्या कट अच्छा देता है। देन इसके बाद हमारे पे एक और आता है मैग्नेटिक लेसर टूल। ये टूल सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, हमें बस अपना माउस घुमाना होता है, वो अपने आप मैग्नेट की तरह चिपक जाता है। यहाँ पे गए भाई, इसको मैं शेप को ऊपर ऐसे ऐसे लेते जाऊँ, जहाँ गलत हो डिलीट का बटन बैक हो जाएगा। अब ये शेप अपने आप काट डाल देगा। आप देख सकते हो हम कुछ नहीं कर रहे भाई, हम ले जा रहे हैं वो अपने आप देखो कैसे सिलेक्शन होते जा रहा है। अब इसको मोड़ना तो ऐसे मोड़ लेंगे, इसके बाद फिर से हम ऐसे यहाँ से डिलीट हो बैक का बटन। जैसे कि आप जानते हो कि थोड़ा बहुत बीच में गैप लेके जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा गैप से मोड़ना है, थोड़ा कम गैप से, तो अपना माउस का लेफ्ट क्लिक करके भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे पॉलीगोन में किया था। ये थोड़ा जल्दी काम होता है इससे, ये हमें भाई ऐसे ही सिलेक्ट करना है। ये अपना पूरा ऐसे ही मिला के अच्छे से, यहाँ पे हमारा गलत हो गया तो हम क्या करेंगे बैक दबाएंगे, अंदर ही अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता जाएगा। ये मैग्नेट है तो ये अपने हिसाब से अपनी तरह से शेप काटता है। यहाँ पे गए, अभी से यहाँ पे पुट करते हैं, इसका भी साइज छोटा कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो डिफरेंस, ये तीनों फोटो का डिफरेंस है। एक में शेप थोड़ी वैसी कटी, एक में कटी तो ये मैं पॉलीगोन वाला शेप देखो। सबसे पहले पॉलीगोन वाले एकदम चौपा कटा है, क्योंकि सीधी लाइन वाली होती है, ये थोड़ा अच्छा कटता है। लेकिन मैग्नेट वाले में ये आप देख सकते हो कि जो नीचे वाला है ये थोड़ा टेढ़ी में लाइन है। ऐसे पॉलीगोन, लेकिन लैशो वाले टूल में भी थोड़ा वैसे हुआ, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो ये तो कट में थोड़ा वैसा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फेड का यूज कर सकते हैं। फेड का यूज क्या होता है, यहाँ पे गए अपन फेड लिख देंगे कितना 5%, ठीक है मैक्सिमम 5%, यहाँ से ओके। ठीक है अब इसे मूव करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं कंट्रोल टी करते हैं, साइज छोटा करेंगे सबसे पहले, ये अपना होगा ठीक है। अब एक बार जूम करके दिखाएं कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपना जो कटा है निशान, वहाँ पे तुरंत पता चल रहा है कि ये वाले शेप में फोटो कटी है, लेकिन ये वाले में आप देख सकते हो साइड साइड से ब्राइटनेस जैसी हो गई है, उलझा उलझा हो गए, जिससे कि आपको पता नहीं चला कौन सा कैसा कटा है। तो तीनों टूल्स में डिफरेंस क्या, तीनों का यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फेड का भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ से भी जाके फेड का यूज़ कर सकते हो डंडी इससे भी, एंड देन यहाँ से भी आपको फेड का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको साइड से थोड़ा ब्राइटनेस वो वैसे कर देता है, उलझा उलझा कर देता है झुंझुना टाइप का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आप फोटोशॉप में लेसर टूल, पॉलीगोन लेसर टूल एंड मैग्नेटिक लेसर टूल्स का यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलो।